हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के लड्डू, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होता है। इसके लिए लेंगे हम 1 कटोरी चावल का आटा, आधी कटोरी शक्कर और आधा कप दूध, नारियल, इलायची और 1 चम्मच घी। आइए अब हम बनाते हैं लड्डू। इसके लिए हम कढ़ाई को गरम करेंगे और गरम करने के बाद उसमें चावल के आटे को डाल के भुनेंगे। इसको हमको मीडियम लो पे भुनना है। 10 मिनट लगेगा इसको भुनने में, तभी ये थोड़ा ब्राउन होगा। ये देखिए, इसका कलर आ गया ब्राउन, लाइट ब्राउन। इसको भुनना है हमको, ज़्यादा ज़्यादा इसको नहीं भुनना है। ये देखिए, ऐसा कलर आने के बाद ये एकदम परफेक्ट भून के रेडी हो गया है। इसमें से खुशबू आने लगेगी और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी मलाई। मलाई को अच्छे से मिक्स होने तक इसमें हम भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स होने वाली है मलाई इसमें। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मलाई का टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा इसमें, इसलिए मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है। और ये देखिए, मिक्स हो गया अब अच्छे से इसमें। और अब हम क्या करेंगे, शक्कर को थोड़ी सी ग्राइंड कर लेना है हमको, क्योंकि ऐसे ही शक्कर अगर हम डालेंगे तो जल्दी से इसमें मिक्स होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए शक्कर को हमको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे। देखिए, ग्राइंड करके शक्कर को मैंने इसमें डाला है और बस 5 मिनट इसको इसमें मिला लीजिए। शक्कर को इसमें हमको पिघलाना नहीं है, बस थोड़ा गर्म करना है। ये देखिए, दोनों मिक्स हो गया। अब दोनों को मिलाने के बाद अब हम इसको गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को उतार लेंगे गैस पे से। ये देखिए, मैंने उतार लिया है। अब इसमें मिला ये नारियल और इलायची। ये मिला दिए हमने नारियल और इलायची इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला के इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। थोड़ा इसमें घी भी मिला लीजिए। और हाथ से मिक्स करने के बाद अब इसको हम देखेंगे कि ये लड्डू हमारा बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा दूध और इसमें, दूध और घी थोड़ा और डालिए इसमें और हाथ से लड्डू बना के देखिए। ये देखिए, हमारे लड्डू बनने लगेंगे। ये देखिए, परफेक्ट लड्डू तैयार है बन के। इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। ये देखिए, सारे लड्डू बन के तैयार हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस लड्डू को।